नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन्स एनर्जी। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये प्लांट पहले तो 5 किलोवाट ही था, लेकिन अभी उसको अपग्रेड करके लगभग 12 किलोवाट का सोलर कर दिया गया है। उसके साथ इन्वर्टर बैटरी जो है वो 10 किलोवाट का कर दिया गया है। और वो अपग्रेड कैसे हुआ है, आप लोग भी कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में आज डिटेल बताएंगे। और उसके साथ यहाँ जो लोड चलने वाला है, वो लोड भी चला करके दिखलाएंगे कि कैसे लोड हैंडलिंग करता है। कि अगर कोई चाहता है कि हम अभी मेरा प्लांट लगा ले, मतलब 5 किलोवाट का प्लांट लगा ले, और बात तो करना संभव है, वो कैसे, वो इस तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया नया टेक्नोलॉजी वाला वीडियो लाते रहता है। और यदि पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और इंस्टॉल करवाने के लिए नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। चाहे आप बिहार से हैं या झारखंड से हैं या उत्तरी यूपी से, कहीं भी कहीं से भी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 10 किलोवाट से ऊपर का जो भी प्लांट है, 5 किलोवाट का भी प्लांट लगाते हैं, 5 किलोवाट से ऊपर का जितना भी प्लांट है, हम बिहार झारखंड कहीं भी लगाते हैं। और बिहार में अगर छोटा वाला प्लांट तो भी लगाते हैं। इसका हम वायरिंग कर लेते हैं, तो वायरिंग हम लोग क्या ध्यान देना है कि इसका जो स्ट्रिंग बने वो सब एक लाइन में बने, क्योंकि नीचे में भी 5 है, ऊपर में 5 है, और 3-3 और एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है, इसलिए सबका स्ट्रिंग जो है सेपरेट लेके जा रहे हैं, उसको किसी से किसी में मिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ कि लूम सोलर अब क्या किया है कि हर पैनल के साथ एक एक्स्ट्रा डायोड लगा के दिया है। जो कनेक्टर लगता है ना, उस कनेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा डायोड दे दिया है। आइए ये समझिए कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गया, और ये अब लूम सोलर के पैनल में ही है अभी, बाकी और किसी कंपनी ने ऐसा नहीं निकाला है। सो हुई ना आपके लिए एक खुशखबरी वाली बात। एंड इस डायोड का क्या वर्क है, ये क्या प्रोटेक्शन देता है, वो तो आपको पता ही है कि ये जो डायोड है ये यूनि डायरेक्शनल होता है। ये प्रोटेक्शन क्या करता है कि अगर आप कभी भी गलती से एक दूसरे में अगर जोड़ दिए, खुद के एक प्लस और माइनस में अगर जोड़ दिए, तो वो पैनल जलेगा नहीं और उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, उसको रोक देगा, मतलब एंटी ब्लॉकिंग का भी काम करता है। एंड ये जो डायोड दिया है, नॉट ओनली वन पैनल ऑफ द प्लांट, ये अपने पूरे प्लांट में पूरे पैनल के साथ दिया है, मतलब कि अब हर पैनल सुरक्षित है, वो भी डबल प्रोटेक्शन के साथ। सो यदि ये पैनल अपने घर पे अगर आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है कि हमारे पैनल को कभी कुछ हो भी सकता है। फ्रेंड्स, ये हमने इसको पूरा शॉर्ट कर दिया है, ये जोड़ दिया है, और ये डायोड का जो वर्क है वही आपको दिखाना है। तो हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया हुआ है, तो देख रहे हैं कि इसके अंदर से धारा प्रवाह हो रहा है, मतलब कि बिजली का जो करंट है वो दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जीरो है, मतलब ये जो डायोड लगा दिया है ये ब्लॉक कर देता है। अगर ये उल्टा पुल्टा अगर जोड़ा भी गया तो भी ये ब्लॉक करके रखेगा, जो कि मैंने दूसरे पैनल में दिखाया कि वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पर एम्पियर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एम्पियर जीरो है। ठीक है, मतलब ये जो डायोड लगा है ये डायोड वर्क कर रहा है और ये इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, एंड इस मॉड्यूल के VOC की बात करें तो इसका VOC टेस्ट कर लेते हैं, तो इसका VOC आ रहा है अपना 43.8 वोल्ट, एंड ये थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होगा तो 44 तक जाएगा, जो कि बाईफेसियल का भी इतना ही आता है। और सोलर ऐड होने के बाद अब इसमें ऐड करना है बैटरी को, चूँकि टोटल 10 किलोवाट प्लांट बनाना है, और यहाँ पर बैकअप का इनको दिक्कत हो रहा था, और ये दिन में लाइट काट के अब पूरा सोलर पर ही प्लांट चलाते हैं, और रात में बैटरी बैकअप से यूज करते अपने घर का सारा लोड। और मतलब जब इतना खर्चा किए हैं तो हर कोई चाहेगा कि हमारा जो पूरा लोड है, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो या फिर इनका घर हो, सारा का सारा लोड जो है सोलर से ही चले, और जब लाइट कटे उस टाइम पे हमको बैकअप भी मिल जाए। और चूँकि दो दो लिथियम बैटरी लगाए तो एक ज़रूरी भी है, और देख रहे कि इसका सारा कनेक्शन कर लिए हैं, एक इन्वर्टर से एक बैटरी, फिर दूसरे इन्वर्टर से दूसरे बैटरी को जोड़ लिए हैं। ठीक है, पहले एक ही बैटरी से दोनों इन्वर्टर को जोड़ा हुआ था, अब जब इसका कनेक्शन प्रॉपरली अच्छे से कर लिए, कम्युनिकेशन वायर लगा लिए, सारा कुछ जब कनेक्ट हो गया है, तो इसमें ध्यान देना कुछ लूज तो नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ भी लूज रहेगा, और खास करके अर्थिंग पॉइंट जरूर देना है, और इसमें कोई भी वायर लूज होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान देना, इसमें स्पार्क नहीं मारता है, काम नहीं करता है सीधा सीधा, तो ये सारा कॉन्टैक्ट एकदम टाइट देना है, और खास करके ये जो कम्युनिकेशन केबल है इसको बढ़िया से फिक्स करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। अब जब हमारा पूरा बैटरी रेडी हो गया तो उसको पहले फिर सजाना भी है, उसका अर्थिंग कनेक्ट करना है, ये सारा दोनों बैटरी में हम लोग 1x1 करके कर रहे हैं। अब जब रेडी हो गया तो 1x1 करके इसको ऑन करेंगे, फर्स्ट सेकंड। दिलीप जी, हम बोलेंगे तो उन्हें बटन ऑन कीजिएगा, ऑन कीजिए, तो उधर से बटन ऐसे मतलब बैटरी बटन ऊपर ऑन कीजिए, ऑन कर दिया जी। ये दिखा रहा है 50%, ये है 80। चलिए ठीक है, थी है ना, मैंने किया था ना, नहीं बदलवे करता है। हाँ ठीक है, चलिए
ग्रिड ऑन कीजिए एक मिनट, ग्रिड यहाँ से ऑन कर, ग्रिड ऑफ कर दीजिएगा। हाँ वो भी चेक करना है, वो लास्ट में कर देंगे। कम्युनिकेट कर रहे हैं, ग्रिड वहाँ से ऑफ रखते हैं यहाँ से, दोनों में वो मेन लाइन देना ही नहीं। देखिए ग्रिड आ गया, देखिए ब्लिंकिंग बंद हो गया, मतलब ग्रिड आ गया। अब खाली हमें इसे ऑन करना है। अब इन्वर्टर को हम जब ऑन करना है तो अब देखते हैं। देखिए अभी, देखिए अभी एकदम स्टेबल है, ये बैटरी ऑन हो गया, ये इन्वर्टर ऑन हो गया, बैटरी ऑन हो गया, इन्वर्टर ऑन, ग्रिड ऑन हो गया, मतलब सब स्टेबल है अब करेक्टली, पूरा एकदम हो गया। क्योंकि सोलर तो ऑन किए हैं लेकिन सोलर है नहीं, इसलिए ऑन नहीं है, ठीक है। दोनों में अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। पहले ब्लिंकिंग होता था, अब वो कुछ नहीं है, मतलब सब ये ऊपर किए, ये ऊपर किए, मतलब लिखा था ग्रिड है लेकिन है नहीं इन्वर्टर, और नीचे करेंगे तो ग्रिड बाईपास हो जाएगा, मतलब जब इन्वर्टर प्रॉब्लम आएगा तभी इसको नीचे करना है, नहीं तो ये ऊपर आएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ऑन कर दिए, आपका सारा लोड चल रहा है, ठीक है। ये हम उठा रहे हैं, उठा दिए, ऑन किए, ये ब्लिंक करना शुरू किया, अब थोड़ा देर में स्टेबल ले लेगा। अब देखते हैं कि अब चार्ज लेता है कि नहीं ऐप में, ठीक है। अब वो ले लेगा थोड़ा देर में, कहाँ है सोलर टच, सोलर टच, चलिए आया, आ गया। अब हमको जाना है इसमें किसी भी, और इसमें जाना है मैनुअल में, चलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो उस टाइम नेटवर्क नहीं था, अभी आगे नेटवर्क क्योंकि ऑन है इसलिए। अब ये जो है ना 68 वाला मेन है कि इसी को पकड़ना है, फर्स्ट वन को ये कनेक्ट लेना शुरू किया। अब ये पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। एक बार फ्रेश करो, इस तरह से पूरा डाटा आ गया। अभी किस तरह से क्या पावर फ्लो हो रहा है सारा कुछ दिखा रहा है। अब क्या करना है, हमें जाना है क्विक सेटअप में, ठीक है, इसमें जाना है। अभी यहाँ पे चूंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए क्रॉस दिखा रहा है, चूंकि इनका हॉटस्पॉट बंद है, चूंकि इनके मोबाइल से था। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है, सीधा सीधा कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे गए। अब अगर इसका हॉटस्पॉट ऑन होगा तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, ये मैंने नाम चेंज किया है ना, नहीं इसका या आ गया, आ गया, ये आ गया, इसको टच किया। अब इसका जो पासवर्ड है वो डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 था, सो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये करेक्ट था इसलिए अब कनेक्ट लेना शुरू किया, कनेक्ट ले लिया। अब इसको डन करना है, बैक नहीं करना है, ना तो वो ऊपर नहीं लेगा। अब डन करेंगे, अब ये यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसमें पासवर्ड डालेंगे, उसके नीचे में पासवर्ड। अब क्या पासवर्ड डालना है, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा करेक्ट पासवर्ड टच करना है। अब इसको स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन, बस ये कर देना है। अब वहाँ पे लाइट जो है चेंज होना शुरू होगा धीरे धीरे, अगर ये करेक्ट होगा सारा कुछ तो, ठीक है। अब वेट कीजिए, और ये 5G नहीं ना है, 5G होगा तो 5G है, नहीं नहीं ये जिससे हम नेट कनेक्ट कर रहे हैं 5G नहीं ना है, 5G है, सिम 4G का है, नहीं 5G से मतलब है, 5G होगा तो नहीं लेगा, 4G चाहिए, 4G या 2.02। फाइव जी है ये, उसका भी कारण दिखाते हैं, जो भी कॉज होगा यहाँ लिख के आएगा, नहीं इनएक्टिव आया, उसका कारण क्या है ये देखो लिख के है, प्लीज यूज 2.4G नेटवर्क, समझ गए, 5G नेटवर्क नहीं। मीन्स यहाँ मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, इसके लिए वाईफाई ही कंपलसरी है, और यहाँ वाईफाई लगा तो लिए हैं लेकिन इसका सेटिंग नहीं किए 5G में लगा लिए हैं, तो जब 5G में इसको 4G में कन्वर्ट करेंगे 2.4 में, इसमें सेटिंग होता है फिर कनेक्ट ले लेगा। लोड ऑन करके दिखाते हैं, और उसमें लोड चलने क्या वाला है, तो ये जो मशीन देख रहे हैं, ठीक है, आटा गूंदने वाला ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, ये दोनों आटा गूंदने वाला मशीन है, और एक तीसरा आटा गूंदने वाला मशीन है, ये तीन आटा गूंदने वाला मशीन है, ठीक है, तीन टाइप का। उसके बाद ये फ्रिज है दो टाइप का, उसके बाद यहाँ पे हीटर है, ये वाला हीटर है जो बेक करता है सिस्टम, वो चलने वाला है। क्या किया है कि वही जनरेटर के लाइट पे चल रहा था, मतलब ग्रिड पे चल रहा था, वो भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो ये सस्टेन होना चाहिए, तो यही चला के देखना है, तो ये तो प्लान चल गया, चलिए ठीक है। उसके साथ
ये आटा गूंदने वाला जो ये कटोरी टाइप का है इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने का कुछ अलग फंडा है, तो ये लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्लान चल गया तो समझिए कि हमारा जो वर्क है वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इनका कहना था कि हम हो सकता है कि दो मोटर एक साथ चलाएं, ये पीछे आटा गूंदने वाला और इसके साथ ये जो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको भी चलाएं, तो ये मेन चलना ज़रूरी है, तो इसे भी अब ऑन कर रहा है, तो ये ऑन हो गया है। और इस तरह से इनका पूरा प्लांट जो है, जो जो इनको ज़रूरत था प्लांट सोलर पे चलाने का, सारा कुछ चला के इनको दिखला दिया इन्वर्टर से और बैटरी से। और इनका जो ऑफिस है ये, इसका भी पूरा लोड चला के इनको दिखला दिया, कुछ वायरिंग सेटिंग था वो भी इनको करके दिखला दिया है। कोई भी कर सकता था। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हो वो भी मेंशन कीजिएगा। एंड यदि हमसे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या इंस्टॉल करवाना है या हमसे जुड़ना है तो ये जो नंबर फ्लैश कर रहा है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।